भारत में चुनाव के माहौल के बीच दिलचस्प बयानों का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी भारत के चुनावों की चर्चा हो रही है। इस बीच रूस ने भी भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका भारत के लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, रूस का कहना है कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में भी दखलंदाजी कर रहा है। अब आखिर रूस ने ऐसा क्यों कहा है, क्या है पूरी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को या फिर हमारे पेज को फॉलो कर लें। मेरा नाम है सैयद चौहान, आप देख रहे हैं स्विच। इस खबर की चर्चा क्यों हो रही है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए पहले आपको वो बताते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं जिनका नाम है मारिया ज़ाकारोवा। उनसे 8 मई को पन्नू मामले पर भारत पर लगाए गए आरोपों पर सवाल किया गया तो इसके जवाब में मारिया ज़ाकारोवा ने कहा कि अमेरिका बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत का अपमान कर रहा है। वहीं पर मारिया ज़ाकारोवा का कहना है कि अभी तक अमेरिका ने बस भारत पर आरोप लगाए हैं लेकिन अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिए हैं जिससे ये पता लग सके कि भारत पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए बता दें कि कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसकी यहाँ पर हमने अभी बात करी है। दरअसल 1 जुलाई 2020 को भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोहिबिशन एक्ट 1967 के तहत 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया था। इस लिस्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम शामिल था। गृह मंत्रालय के हिसाब से अमेरिका का रहने वाला पन्नू गैरकानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ का प्रमुख सदस्य है। अब पन्नू मामले पर बात करने के साथ साथ रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि धार्मिक आजादी के उल्लंघन के आरोप भी भारत को लेकर अमेरिका की कमजोर समझ को दिखाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे आरोप लगाकर एक सॉवरेन देश के तौर पर भारत का अपमान कर रहा है। अमेरिका भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के बेबुनियाद आरोप लगाता रहा है। अमेरिका के इस तरह की कार्रवाई भारत के आंतरिक मामलों में दखल का सबूत है। हाल ही में रूस में भी चुनाव हुए थे जहां 5वीं बार पुतिन ने राष्ट्रपति पद का संभाला है और इन चुनाव में 88% वोट पुतिन को मिले हैं। रूस के चुनाव पर भी अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि पुतिन देश में किसी भी विरोधी नेता को टिकने ही नहीं देते हैं और यही वजह है कि रूस में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। अब इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है वो भी समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा मिलता रहा है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज लगातार रूस और चीन पर चुनाव में एक दूसरे पर दखल देने का आरोप लगाते रहे हैं और ये आज की बात नहीं है। बात साल 2021 की है जब अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिकी चुनाव में दखल देने के ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। वहीं साल 2016 में अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तब भी रूस पर आरोप लगे थे कि वो चुनाव में दखल या फिर कहें हस्तक्षेप कर रहा था। एक रिपोर्ट में इस बात का भी दावा मिलता है कि बाइडन ने पुतिन को किलर यानी कि हत्यारा तक कह दिया था और यह भी कहा था कि उनके जितने भी काम हैं उन सभी का पर्दाफाश जल्दी हो जाएगा और इसकी कीमत पुतिन को चुकानी पड़ेगी। इस बयान के बाद रूस ने अपने राजदूत वहां से यानी कि US से वापस बुला लिए थे। इसके अलावा अमेरिका ने चीन पर भी चुनाव में दखल की बात कही थी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के दौरे पर गए थे जहां उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव में चीन के दखल के सबूत मिले हैं। वहीं अब भारत के चुनाव की बात करें तो रूस अमेरिका पर लोकसभा चुनाव में दखलंदाजी का आरोप इसलिए भी लगा रहा है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका की तरफ से भारत में धार्मिक आज़ादी और भेदभाव को लेकर कई रिपोर्ट्स जारी की गई थी। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी अमेरिका लगातार सवाल खड़े करता रहा है, इसकी भी रिपोर्ट्स आती रही हैं। हाल ही में बाइडेन ने भारत को ज़ीनोफोबिक भी बता दिया था। इसका मतलब ये था कि भारत विदेश के लोगों को पसंद नहीं करता है और उसको विदेश के लोगों से डर लगता है। बाइडेन का कहना था कि इसी वजह से भारत जैसे कई देशों का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। हालांकि हर एक मामले में भारत ने भी अपना पक्ष रखा है और नाराजगी भी जाहिर की थी।
अब आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा यहाँ पर कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है या फिर नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।